इसमें। और आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस स्टॉक के बारे में या इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाना मेरे लिए एक्चुअली बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गया। मुझे लगता है कि अगर मैं गिनूँ प्रत्येक वीडियो में, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं अनवरत बारंबार ये कह रहे हैं कि सर अदानी ग्रीन के बारे में बताइए। और निसंदेह मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सावधान करना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो पहले हम वेबसाइट पे, जैसे जिस प्रकार से इस कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी, तो जो इनका स्टॉक है या कंपनी है, तो सोलर पावर से इनको इतनी जो है 2148 मेगावाट का उत्पादन, विंड पावर से 397, हाइब्रिड पावर से 1690 मेगावाट। ठीक है, तो पूरी वेबसाइट में सारी डिटेल्स है, आप समझ गए कंपनी क्या करती है, विद्युत का उत्पादन करती है। अब हम सीधे इनके चोट मारते हैं कंपनी पे कि क्या प्राइस पे है। देखिए, ₹142 की प्राइस इसका जो फ्राइडे को था, आज तो संडे मार्केट बंद है, और संडे तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा सुरक्षित रहिए, घर पे ही रहिए, जैसा कि आपको बताया कि पूरा देश बंद है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा तो कौतूहल है, जो जानने वाली चीज़ है। अगर हम एक वर्ष से पिछले देखते हैं कि एक वर्ष में, हालांकि थोड़ा मेरा इंटरनेट, कोई बात नहीं, घर से ही काम कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे चलते हैं, एक वर्ष में 283% के रिटर्न, यानी कि आपका रुपया जो है 3 गुना के करीब कर दिया है, 2.75 गुना के करीब, और 6 महीने में 183% के आसपास, करीब करीब 200%, कुछ कम नहीं तो 217% नहीं 200%, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जो स्टॉक ₹34 से 243 हाई बना चुका है, आप समझिए कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या इतना बड़ा मुनाफा इनको मिल गया है, क्या इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, या बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गए हैं। इसमें सशंकित हो जाया करिए, कोई भी स्टॉक जब एक तरफा भागता है और अपनी औकात से ज़्यादा, जब पी रेशियो नॉट मेजर्ड, अर्निंग पर शेयर मतलब कमाई कुछ है नहीं, प्रॉफिट कुछ निकल के नहीं आ रहा, प्राइस टू बुक है 26.50 का, डिलीवरी 53% ज़्यादा की, डिविडेंड पे नहीं करता, ज़ीरो, फेस वैल्यू 10 की है, मार्केट कैप जो इस प्राइस के हिसाब से आज की तारीख में 22,263 करोड़ के। ठीक है, तो ये रहे कुछ बेसिक आंकड़े। अब हम चलते हैं कुछ और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे रेड फ्लैग्स फाउंड। रेड फ्लैग्स का मतलब क्या होता है? लाल जो झंडा होता है, खतरे की घंटी। एंट्री पॉइंट में तो ठीक है कि चलो इट्स अ गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक इज़ नॉट ओवरबॉट जोन, ये तो हो गया इनका टेक्निकल चीज़ें, लेकिन अगर रेड फ्लैग्स फाउंड का मतलब है कि स्टॉक इज इन ASM लिस्ट एंड हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ASM? एडिशनल सर्वेलांस मेजर्स। NSE और BSE ने एक सर्वेलांस या एक कैटेगरी चालू की है कि कुछ ऐसी कंपनियाँ या कुछ उन स्टॉक्स जिनमें उनको लगता है कि या तो ऑपरेटर के माध्यम से या प्रमोटर के माध्यम से या इनसाइड ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ भी ऐसी हरकतें होते हैं, उनको थोड़ा डाउट होता है, तो इस ASM की लिस्ट में उनको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी निगाह है, शंका है, और कुछ भी हो सकता है कि एक तरफा भागा जा रहा है, तो ये ASM लिस्ट में है, इसलिए हाई डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि भयानक रिस्क है। और इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक से या कंपनियों से दूरी बनाए। देखिए, आपको भले ही लगता हो कि इसने इतना पैसा बना दिया, हो सकता है कि मेरे वॉच में है नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता कि क्या चल रहा था इसमें, क्या अपर सर्किट लग रहा था या नहीं लग रहा था, या किस प्रकार का इसका कार्यकाल रहा, क्योंकि देखिए 7,000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। अब 7,000 में से जितने निवेशक कहीं ना कहीं किसी न किसी में निवेशित हैं। अब कोई स्टॉक के बारे में जब आप मुझसे पूछेंगे, थोड़ा समय इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं उसके कुछ चीज़ें देखता हूँ, जानता हूँ, वेबसाइट पे कई अलग अलग साइट्स पे इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, एक साइट से कभी नहीं बताता। तो यही चीज़ है कि जो अभी मुझे पता चला इस अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो मैं किसी कंपनी या किसी स्टॉक के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मुझे लगता है कि देखिए इनका जो ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स थी, 10% की ग्रोथ थी, बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है 12% के जो है नेगेटिव, और इंटरेस्ट यानी कि जो कर्ज़ा था और थोड़ा सा ब्याज व्याज दे रहे हैं कम हुआ है, जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है
पिछले साल भी नेगेटिव में था, इस साल भी एक क्वार्टर में भी नेगेटिव है। मार्जिन में भी देखिए करीब करीब 70% के आसपास का नेगेटिव में है। आइए कुछ कर्जा वर्जा देख लेते हैं। देखिए कंपनी के पास टोटल डेट है करीब, ये मार्च 19 में जो आंकड़े हैं, 3,028 करोड़। ठीक है, तो काफ़ी कर्जा है इन कंपनियों के। और बाकी नतीजे हमने देख ही लिए कि प्रॉफिट इनका कुछ निकल के नेट प्रॉफिट, अच्छा ये कंसोलिडेट हमने देखा अभी, हाँ तो प्रॉफिट इनका जो है बिल्कुल भी नेगेटिव में है, दिसंबर 19 में भी और जो 18 में भी था, और क्वार्टर के मुकाबले भी इनका जो है प्रॉफिट निकल के नहीं आया। हाँ पिछले क्वार्टर में ज़रूर यहाँ पे 1 से 1 करोड़ का इनका जो है बेनिफिट था। तो ये क्यों भाग रहा है एक तरफा? इसका यही कारण है कि जो ये जो हमारे एक्सचेंजेस हैं उन्होंने इसको जिस कैटेगरी में डाल रखा है, उस कैटेगरी में डालने का मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है या कुछ ऐसा। उन्होंने सिर्फ एक लिस्ट बना रखी है, एक कैटेगरी बना रखी है कि कोई भी ऐसा जहां उनको लगता है तो उसको अपने सुपर वॉच में रखते हैं कि कुछ ऐसा हो ना जाए। तो यही कारण रहा है कि इसमें जो है, अब चाहे ऑपरेटर्स कह लें चाहे कोई भी कह लें, काफ़ी ऊपर तक, जबकि देखिए प्रॉफिट वगैरह को आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दें। तो मुझे लगता है आप अगर आप बहुत ही अच्छे निवेशक हैं, आप संयमित निवेशक हैं, आपने मेहनत की कमाई है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करता रहता हूं या आपको भी पता होंगी, भले ही मुनाफा कम मिले लेकिन रिस्क मत लीजिए। बहुत पैसा आपके पास तो ठीक है कि आप वो बड़ा गेम कीजिए, वो मैं नहीं कहता, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन पैसा गंवाना किसको अच्छा लगता है, हमेशा अच्छे स्टॉक्स में डालिए। तो यही एक छोटा सा वीडियो बनाने की मेरी कोशिश थी, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आई थी अदानी ग्रीन के बारे में दोस्तों। तो ये अपनी सूझबूझ के साथ इसमें ध्यान दीजिए, और मुझे जो कहना था मैं इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि मैं तो कभी इस कंपनी में पैसे अभी फ़िलहाल ना डालूँ जिस प्रकार के इसके हालात हैं और जिस प्रकार से प्राइस एक तरफ़ा भाग रहा है। ठीक है, जिन्होंने मुनाफा कमाया है अभी तक बना हुआ है तो अच्छी बात है ना, पर थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन पे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट से पहले मैं देखता हूँ कंपनी के बिज़नेस में उसको कितना मुनाफा आ रहा है, कैसा कामकाज चल रहा है, ये सारी चीज़ें। और उस लिस्ट में तो नहीं है जिसमें जो है थोड़ा सा डाउटफुल की कैटेगरी में आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा है कि आपको ज़रूर इसमें से कुछ आपको जानने को मिला होगा। और अगर आपकी इच्छा है हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाल सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। अच्छे अच्छे वीडियोस बने, देखिए मैंने IRCTC के बारे में बताया, आपका पैसा डबल कर देंगे ये 10 स्टॉक्स, ये भी देख सकते हैं, निप्पोन AMC, HDAMC, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देखिए थोड़ा थंबनेल के बारे में, हो सकता है कि आप लोग को ये लगता हो कि पता नहीं सर वीडियो में कुछ अंदर, ठीक है अच्छी बात बताते हैं, लेकिन थंबनेल से थोड़ा आकर्षण करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि सर थंबनेल थोड़ा ऐसा, थंबनेल एक जैसे मैं बता दूं कि मैं तो बना ही नहीं पाता, एक सज्जन हैं जो वो बनाते हैं, उन्हीं का काम है कि भैया इस स्टॉक, तो कोशिश रहती है कि जो थंबनेल में है वही अंदर भी है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ITC के बारे में बताया, टॉप लूजर्स के बारे में बताया, SBI कार्ड के बारे में बताया, कल मार्केट ओपन होने वाली है वो भी देखना पड़ेगा किस प्रकार के हालात हैं। और यही कहूँगा कि भैया अभी तो शेयर मार्केट तो अभी सेकेंडरी मेरे लिए हो गई है, अभी तो हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो सब जगह गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी जो कहा गया है कि अपना ख्याल रखें, ज़्यादातर घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, निकलें तो क्या प्रिकॉशंस बरतें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग भी तो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने अभी तक किसी को नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि कहना चाहिए, जान माल पहले है, पैसा कमाना, ज़िंदगी रही तो फिर से बना लेंगे। और मार्केट अभी ऊपर नहीं भागी जा रही, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई कह रहा हो कि अरे लूट लो, खसोट लो, ये सब कर लो, ख़रीद लो, बॉटम बन गया, तो ये आपकी अपनी सूझबूझ, प्लस मुझे लगता है कि अभी बॉटम नहीं बना है। लगातार देखिए अनाउंस पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं प्रशासन की तरफ से, सतर्क रहें, है ना, ट्रेनें बंद की जा रही हैं, व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, लॉकडाउन किया जा रहा है शहर पर शहर। तो बाज़ार कल देखते हैं, मंडे है, कल खुलेगा, और मुझे लगता है जो लगातार शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं उनके लिए तो एक हो जाता है कि 2 दिन का भी गैप सहन नहीं हुआ जाता है कि सर 2 दिन का वेट, या कोई बीच में हॉलीडे आ गया,
मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप लोगों की रग रग में शेयर मार्केट घुस चुका है। पूरी कोशिश है अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, अच्छा खासा पैसा बनाइए और सतर्क रहिए, बीमारी से बचिए, सावधान रहिए, अपने लोगों को भी सावधान कीजिए। यहीं पे अपना मैं वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगा दोस्तों। कुछ सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा, या कोई मैंने मिस कर दिया हो कोई ऐसी चीज़ ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो भी आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।